ऑल राइट गाइस, तो सभी लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग वापस एक बार खेलने जा रहे हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर, और आज मेरे पास 7,32,000 डॉलर है। तो बहुत सारे पैसे हैं मेरे पास, और लिटरली गाइस यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास कोई भी कार वगैरह कुछ नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने ना कल ये जो सारी चीज़ देख रहे हो, ये देखो ये फूल पत्ता जो भी है इसको मैंने अपग्रेड किया हुआ था, एंड ये जो मेरा दुकान है ना इसको मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा रेंज इसका बढ़ चुका है। आज मैं सोच रहा हूँ ना कि कुछ कार मैं ना दान में बेच दूँ, मतलब ऐसे मतलब 1 रुपये के लिए या फिर 2 रुपये के लिए या फिर $10 के। हम लोग 3-4 कार आज बेचने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले गाइस आज मेरे ख्याल से यहाँ पर तो कार मार्केट भी ओपन नहीं है, सो एक काम करते हैं हम लोग चलते सीधा नेबर रोड पर, उधर चल के देखते हैं कोई कार वगैरह मिलता है कि नहीं। और आज कुछ मैं सोच रहा हूँ ना कुछ कार हम लोग $10 पे बेचने वाले हैं, लिटरली भाई $10 पे बेचेंगे। तो ये रही हमारा एक पहला कार जो बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो इस कार का आप कितना दे रहे हो भाई? देखो आज मेरे पास बहुत सारे पैसे है, मैं थोड़ा सा दान करने वाला हूँ। ठीक है, तो $17,000 की ये दे रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर 14,000 बोलता हूँ या फिर एक सेकंड 13,000 रुपए बोल के देखता हूँ भाई ये मैडम जी देना चाहते कि नहीं चाहना चाहते। तो अपर इज नॉट सेटिस्फेक्टरी फॉर मी। ओके, तो भाई मैडम जो है ना वो देना नहीं चाहता, तो मैं एक काम करता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, आई थिंक ये 15,000 रुपए में दे सकता है। एक सेकंड भाई, कम से कम 2,000 रुपए तो कम कर ही सकते हैं ना एटलीस्ट। चलो आई होप ये दे दिया है। चलो गाइस, ये जो कार है ये एसयूवी कार है बेसिकली, तो जिसको भाई ये कार मिलने वाला है वो बहुत लकी बंदा होने वाला है। सो लेट्स गो, इसको हम लोग फटाफट से लेकर और यहाँ पर गैरेज पे हम लोग दे दिया है। और मेरे सामने एक और कार है जो की थोड़ा घटिया दिख रहा है भाई, इस कार को लेंगे तो भाई इसका जो है ना बोनेट और इसका दरवाजा भी खराब है, तो ये ठीक करने में मेरा ज्यादा पैसा चल जाएगा। तो मैं सोच रहा था सामने और एक कार है, और ये BMW का एक पुराना वर्षन है, तो ये जिसको भी मिलने वाला है। अबे भाई ये देखो ये भी घटिया है, बट ना गाइस हम लोग को ये ठीक करने के बाद शायद ठीक हो जाएगा, बट अभी देखते हैं इसका प्राइस कितना है। हेलो सर जी, भाई इसका प्राइस कितने में दे रहे हो? ऑलराइट, तो ये 20,000 रुपए की कार है, तो इसको भी मैं खरीद लेता हूँ, इसका प्राइस मैं रखता हूँ 15,000 रुपए। मेरे ख्याल से अभी नहीं देने वाला, कम से कम 18,000 रुपए या फिर 17,000 रुपए तो देना पड़ेगा भाई साहब, ये एंग्री हो रहा है गाइस। सो मैं ना यहाँ पर 18,000 रुपए कर देता हूँ, नहीं 17,000 रुपए एक बार बोल के देखता हूँ भाई। देखो अगर थोड़ा सा 1,000 रुपए की प्रॉफिट हो रहा है तो मेरे लिए हो रहा है, ठीक है, मतलब मुझे चाहिए पैसे। ओके, तो दे दिया गाइस यहाँ पर 17,000 रुपए की ये कार, तो ये भी भाई एक बंदे को मिलने वाला है। सो इसको हम लोग लेके सीधे चलते हैं गैरेज पर। ऑलराइट, यहाँ पर मैंने 2 कार गैरेज पे दे दिया जिसको मैं दान पे देने वाला हूँ, लिटरली भाई अब मैं 1 रुपए के देने वाला हूँ। ठीक है, सो लेट्स गो। ऑलराइट, और एक कार यहाँ पर ढूंढते गाइस, यहाँ पर ये कार भी सही है, बट ये कौन सी कार है? चलो गाइस, ये कार तो ठीक ठाक मेरे को दिख रही है, बट इसको खरीद लेना चाहिए, कोई भी मेरे को डाउट नहीं दिख रहा है इस कार पे। चलो गाइस, हेलो बताओ सर जी आप कितने में देना चाहते हो? ये कार 15,000 रुपए की दे रहे हैं, तो चलो गाइस हम लोग यहाँ पर इसका बार्गेनिंग करते हैं, और इसका बार्गेनिंग करते हैं $11,000 पे, बट मेरे को पता है नहीं देने वाला, मेरे को दोबारा करना पड़ेगा, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो मतलब ये एक्सेप्ट नहीं करने वाले। सो मैं यहाँ पर करता हूँ 1,250, मतलब 12,500 रुपए। ठीक है, ऑलराइट, दे दिया गाइस यहाँ पर। चलो गाइस, ये कार भी मैंने खरीद लिया है, और इस कार को हम लोग यहाँ पर 2 ट्रक है मेरे पास, तो उससे मेरे को देना पड़ेगा। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पर 3 कार खरीद लिया जो मैं फ्री में बेचने वाला हूँ, और गाइस देखते हैं और 1-2 कार यहाँ पर अगर मेरे को मिल जाता। एक सेकंड, सामने एक सुपरा खड़ा हुआ है भाई, जिसको ये सुपरा मिलने वाला है ना, मैं सोच रहा हूँ यार सुपरा को ना दूं, सुपरा मेरे लिए रखता हूं मैं, या फिर सुपरा को मैं एक अच्छे दाम पर बेचूं, बट इसका हालात ही खराब है यार। ये कौन सी सुपरा है भाई? यहाँ पर तो पूरा पेंटिंग कार है, ये देखो ये क्या है भाई, और यहाँ पर ये भी क्या है भाई, क्या कौन सी कार है, ये तो नहीं मिला मेरे को भाई, इतना तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। चलो एक बंदे को मैं हेल्प कर देता हूँ, ये मस्त कार है, ये किसी का मतलब अगर कोई खाना वगैरह बेचना चाहता है तो इस कार से भी बेच सकता है, तो मैं उस बंदे को यहाँ पर हेल्प कर देना चाहता हूँ। तो गाइस आप गेस कर सकते हो भाई इसका प्राइस कितना हो सकता है, $3,000 पे, तो मतलब इस पे तो कुछ खराब है भाई, इंजन वगैरह सब कुछ खराब है। तो मेरे हिसाब से लेट्स गो, इसको हम लोग खरीदते हैं। $2,000 पे दे सकते हो क्या सर जी? दे दो यार, नहीं देने वाला, आई हैव, ओ भाई भाई नहीं देने वाला मैडम जी, मतलब सॉरी सर जी, गुस्सा हो रहा है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर 3,000 रुपए कर रहा हूँ, अब तो भाई दे दो यार, अब तो देना चाहिए, आई होप यू विल बी सेटिस्फाइड। ऑलराइट, मेरे ख्याल से मैं सेटिस्फाइड नहीं होने वाला, क्योंकि इस कार पे ना थोड़ा दिक्कत है, अभी कोई डैमेज ही नहीं है, इतना सस्ते में मिलता है क्या? चलो बढ़िया गाइस, किसी का तो भला हो जाएगा। तो मैं इसको ना, देखो ये कार में अभी मेरे पास कोई इसको चलाना ही पड़ेगा, लेट्स गो। ऑलराइट, ये पूरा ट्रक है एक, तो कितना बढ़िया साउंड कर रहा है। चलो चलो चलो, मैंने इसका कुछ ऑन नहीं किया और ये कार ऐसे चला गया, पता नहीं भाई, मैंने इसका इंजन भी ऑन नहीं किया था, इंजन ऑन नहीं होता क्या? ना होता है होता है। चलो भाई, ये चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे से, बट कोई ना गाइस, मस्त कार है पूरा एकदम कैसा लग रहा है भाई, क्या कार है ये। चलो गाइस, इसको लेकर हम लोग फटाफट चलते हैं, बट इसका स्पीड इतना घटिया है ना, ये तो मेरे हिसाब से भाई बहुत दिन लग जाएगा मेरा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ना यहाँ पर पार्क कर देता हूँ, इसको मैं बाद में जाके लेके चला जाऊंगा। ठीक है, ये मेरा ही घर है, इसको नहीं पता है ये मेरा घर है, क्योंकि भाई इसको ना मैंने खरीद लिया था। देख रहे हो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो मैं दरवाजा को भी ओपन कर सकता हूँ, ये मेरा घर है। ठीक है, जिसको नहीं पता है बता दूं कि ये मेरा घर है। चलो गाइस, इसको सबसे पहले बंद करते हैं, और इस कार को मैंने यहाँ पर
खड़ी कर दी, ठीक है। मैं अभी आकिस को लेके जाऊंगा, फिलहाल के लिए मैं बस पे चलता हूँ, क्योंकि भाई उस कार का जो स्पीड है ना बहुत ज्यादा कम है, उसको लेकर जाऊंगा तो भाई मेरा सारा दिन लग जाएगा आज। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारा कार आ चुका है, इन सब कार को ना आज हम लोग बेचने वाले $1। जी हां गाइस, लेट्स गो। इसके अंदर कोई डैमेज तो नहीं है? चलो, इसके अंदर कोई डैमेज नहीं है। इस कार को ना थोड़ा हम लोग कलर कराएंगे, अगर किसी को दे रहे हैं तो अच्छे कलर से देंगे ना। लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर इसका पेंटिंग कराते हैं। हेलो हेलो सर जी, हटाओ, तुम्हारा कौन सी कार था यहाँ पर पता नहीं। चलो ऑलराइट, हेलो सर जी, बताओ कौन सा कलर किया जाए। यहाँ पर हम लोग सोच रहे हैं ना थोड़ा येलो करते हैं, क्योंकि ये टैक्सी तरह लग रहा है, टैक्सी की तरह लग रहा है। सो मैं थोड़ा येलो करता है यहाँ पर, और इसका थोड़ा ऐसे करेंगे, पॉलिश पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा हम लोग पॉलिश को थोड़ा ऐसे करेंगे और इसको थोड़ा ऐसे करते हैं। चलो, ये थोड़ा मेटालिक लगने वाला है। तो $300 मेरे को यहाँ पर खर्चा पड़ गया। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं ऑफिस के अंदर, और ये जो बंदा देख रहे हो ना, ये बंदा इस कार को ऑटोमेटिकली साफ कर देंगे। तो मुझे अभी साफ करने की कोई जरूरत है नहीं, ये जो बंदा ये ऑटोमेटिकली साफ कर देता है, ठीक है। ऑलराइट, चलो गाइस, हम लोग यहाँ पर कार से उतरते हैं, और यहाँ पर ये देखो ये सर जी जा रहा है, देख रहे हो भाई, ये सर अभी ना इस कार को साफ करने वाला है। सो अभी तुम साफ करो, मैं तब तक के लिए ना दूसरी कार लेकर आता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पर और एक एसयूवी कार है मेरे पास, मतलब अभी मेरे पास चार कार है शायद से, मुझे नहीं पता ये कौन सी, ये किसकी कार है, मेरी कार है क्या। चलो हेलो सर जी, अभी इस पे तो ₹260 की यहाँ पर, मतलब $260 की यहाँ पर नुकसान हो चुका है मेरा, इसको ठीक कराना पड़ेगा। और ये जो कार है इसको भी क्या ठीक करना पड़ेगा, अभी इसके अंदर $800। अबे यार, ये थोड़ा नुकसान हो रहा है मेरा, बट कोई ना गाइस, आज हम लोग थोड़ा अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो ऐसा तो होना ही था, मेरे को भी पता है। बट कोई ना गाइस, यहाँ पर ये जो दोनों कार है ना, इस पे $260 लग गया, इस पे $800 लग गया, मतलब इस पे मेरा $1000 तो निकल गया। चलो गाइस, तब तक के लिए ये कार ठीक होते रहे, और मैं ना जाता हूँ नेबर रूट पर, क्योंकि मेरा नेबर रूट पे भी एक कार है जो एक वैन है बेसिकली, मतलब अगर आप खाना वगैरह बेचना चाहते हो तो उस वैन को यूज कर सकते हो। तो लेट्स गो, नेबर रूट पर चलते हैं मेरे घर पे, और मेरे घर के सामने भी ये देखो, ये कार जो है ना मैंने पार्क करके रखी थी, तो इसको लेते हैं। एक सेकंड, मैं इसको लूंगा नहीं, इसको सीधा हम लोग, मेरे पास एक टो ट्रैक करके कुछ है, इसको लेकर हम लोग सीधा टो ट्रैक पर, हमने जो दुकान है उसके सामने लगा दिया है। ऑलराइट, तो यहाँ पर चलो गाइस, अभी सीधा ऑफिस पे चलते हैं। चार कार मैंने खरीद लिया है, और गाइस यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा जो है ना कार आ चुका है, और इसके अंदर कोई खराबी तो नहीं है, कोई अगर डैमेज नहीं होगा। चलो, इसके अंदर भी कोई डैमेज नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको लेकर सीधा हम लोग चले जाते हैं। एक सेकेंड, अब ये कार ना बहुत बड़ा है भाई, अबे भाई 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 भाई, एक सेकेंड, ये कार बहुत ही बड़ा है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रही है भाई ये कार। मेरे को ना ऐसा लग रहा है मैं ना अभी खाना बेचने जाऊँ इस कार से। चलो, रात भी हो चुका है, ऑलराइट, थोड़ा सा पीछे करना है भाई, रात में कुछ दिख नहीं रहा यार। चलो गाइस, ये देखो, ये सर यहाँ पर काम कर रहे हैं, तब तक के लिए ना मैं एक काम करता हूँ, उस गैरेज पर मेरा ऑलरेडी दो कार पड़ा हुआ है जो शायद ठीक हो चुका है, तो उसको भी लेकर आते हैं, एंड उसके बाद हम लोग इस कार को यहाँ पर पार्क करेंगे, एंड देन हम लोग सोने के लिए जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो ये कार शायद से ठीक हो चुका है, मेरे ख्याल से ठीक हो जाना चाहिए। चलो गाइस, डैमेज यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सो हम लोग लेते हैं इस कार को, और इसको लेकर फटाफट से ना गाइस हम लोग, नहीं इसका तो मैं ना सोच रहा था इसका पेंटिंग वगैरह कराएंगे, तो इसको ना मतलब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको रख देते हैं, एंड तब तक के लिए पेंटिंग हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर मैंने एक कार को रख दिया है, एंड ये जो कार है ना इसको हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, क्योंकि मुझे इस कार को भी पेंटिंग कराना है, या फिर नहीं, ये कलर बढ़िया लग रहा है, व्हाइट कार है, तो इसको ना पेंटिंग करने की कोई जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है। सो मैं इसको लेकर सीधा हम लोग दुकान पे चलते हैं। एक सेकंड, अभी मैं टक्कर लगाने वाला था, शुक्र है कि मैं टक्कर नहीं लगाना। ऑलराइट गाइस, तो इस कार को हम लोग निकल चुका है, एंड इस कार को ना हम लोग सोच रहे हैं कि इसको पेंटिंग करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि ये कार ऑलरेडी मस्त लग रही है। तो इस कार को लेकर हम लोग सीधा चलते हैं दुकान पर, यहाँ पर हम लोग सेल करने वाले। आज तो भाई काल जो जो बंदे इस शॉप पे आने वाला है ना, उसका तो भाई बहुत ही तगड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि सभी कार का जो प्राइस है वो $1 होने वाला है। सो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है सबको। सो लेट्स गो, इस कार को इस तरीके से पार्क करते हैं, और हम लोग इधर से निकलते हैं। हेलो सर जी, तुम भी आ जाओ, इस कार को थोड़ा साफ कर दो, मैं काल आता हूँ, ठीक है, तुम तब तक के लिए साफ कर दो। चलो गाइस, अभी मैं ना फटाफट से घर पे चलता हूँ, जाके थोड़ा सा सो लेता हूँ, उसके बाद मैं काल आऊंगा। एंड आपको पता है मेरा नेबरहुड पर एक कार, मतलब एक घर है, सो ये रहा हमारा घर, जिस घर के अंदर शायद से कोई लाइट्स नहीं है, मुझे नहीं पता लाइट्स क्यों नहीं है, देखो यहाँ पर कुछ भी एक लाइट्स भी नहीं है। चलो गाइस, यहाँ पर सो जाते हैं, और आज तो देख रहे हो भाई ₹77,000 का हमारा घटा हो चुका है, क्योंकि आज हम लोग थोड़ा सा दान करने वाला है, सो घटा तो होने ही वाला है। सो लेट्स गो, अभी यहाँ पर नेक्स्ट डे पे हम लोग आ चुके, सुबह हो चुका है गाइस, और जैसा कि मैं आप लोगों को बोल रहा था कि यहाँ पर कोई लाइट नहीं है, पता नहीं गाइस, देखो कोई भी स्विच वगैरह कुछ नहीं है। ऑलराइट गाइस, तो सुबह उठ के यहाँ पर हम लोग आ चुके कार मार्केट पर, और मैंने देखा कि भाई कार मार्केट ओपन है, तो चलो गाइस कार मार्केट से भी कोई ना कोई कार हम लोग खरीद लेते हैं सस्ते में, अगर मेरे को सस्ते में मिल जाता है तो खरीद लेंगे, मेरे पास पैसे है ऐसे तो, अगर
यार एक सुप्रा, ओके ओके ओके, कोई सुपर कार नहीं है क्या? एक सेकंड, ये तो मस्टांग, इसको नहीं लेने वाला मैं, ये लिमोजिन है भाई, लिमोजिन। ये कौन सी कार है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ओके एक सेकंड भाई, ये कार मस्त होने वाला है, ये विंटेज कार है ना, ये बहुत तेजी से बिकता है। एक सेकंड, इसका प्राइस कितने में दे रहे हैं? ज्यादा प्राइस होगा तो मैं नहीं लेने वाला। ओके $68,000 पे ये शेयर बेच रहा है, नहीं चलो भाई इसको नहीं खरीदते आज, आज का कुछ प्रोग्राम अलग है हमारा, तो आज इसको नहीं खरीदेंगे। और यहाँ पर एक पोर्शे है भाई, इसको ना खरीद लेना चाहिए भाई, अगर ये सस्ते में मिल जाता है ना तो इसको मैं सोच रहा हूँ इसको खरीद लूँ, क्योंकि ये कार भाई मतलब हमेशा नहीं मिलता यार, समझा करो, ये कार हमेशा नहीं मिलता है। हेलो मैडम जी, ये थोड़ा मेरे को मतलब रिच फैमिली लग रही है, 2 लाख रुपए की, बस 2 लाख रुपए की दे रहा हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। ये लोग मैं ना सोच रहा हूँ $1,80,000 पे दे सकते हो क्या मैडम जी? $1,80,000 पे दे सकते हो? ऑल राइट, दे दिया गाइस। चलो गाइस, हम लोगों ने ना यहाँ पर इस पोर्शे को खरीद लिया है, और कितना मस्त लग रही है इस कार को ना, हम लोग एक बार ही ना एक बार चेक कर लेते हैं। एक सेकंड रुको, मैं इस कार को ना एक बार चेक कर लूं। ओ भाई भाई भाई, इसका अंदर से देखो यार, कितना बढ़िया फीलिंग आ रहा है ना, लिटरली इसका सब कुछ बढ़िया काम करता है। ऑलराइट, ओ माय गॉड, बहुत ही खतरनाक। इसका आग निकल जाएगा पीछे से, तो भाई आग नहीं निकलने वाला इसका, पता नहीं भाई क्यों नहीं निकल रहा, लेकिन इसका तेज बहुत है, मतलब बहुत ही अच्छा कार है। और हम लोग ना इस कार को सुधा। ऑलराइट गाइस, तो कितना मस्त लग रही है इसका ना, जब हम लोग कलर वगैरह कराएंगे ना तो उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा मस्त लगने वाली है। एंड मैं सोच रहा हूँ ना कि इस कार को भी मैं 1 रुपीज से बेच सकता हूँ, बट अगर मैं ये करूंगा थोड़ा सा लॉस हो जाएगा यार, तो मैं सोच रहा हूँ ना इसको नहीं बेचेंगे हम लोग, इसको थोड़ा हम लोग चला लेंगे, एंड उसके बाद जाके इसका भी एक वीडियो आएगा कि हम लोग 1 रुपए के अंदर पोर्शे को बेचने वाले हैं। अभी तक ड्रैग हुआ था, अभी नहीं। ओह माय गॉड, मैंने गलती कर दी गाइस। कोई ना गाइस, ये इस कार को ना मैं खुद के लिए रखने वाला हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा चलाने के बाद ना इसको मैं सोच रहा हूँ थोड़ा मैं इसको 1 रुपए के अंदर बेचूंगा, बट फिलहाल के लिए नहीं है, फिलहाल के लिए भाई इसको लेकर चलते हैं हम लोग। ओ भाई साहब, भाई ये क्या था। चलो गाइस, ये पर हम लोग आ चुके हैं, और सबसे पहले तो गाइस तुमने कार को साफ कर दी क्या? चलो ये कार पूरा साफ हो चुका है, बस और एक कार मेरे को लेके आना है, उसके बाद हम लोग इस कार को ना सेल पे लगाएंगे, 1 रुपए की कार होने वाला है। सो लेट्स गो, हमारा कार पेंटिंग के अंदर भी एक कार था। तो सर जी, इस कार को ना तुम एक काम करो, ये ग्रीन कलर कर दो, ये ग्रीन मेरे को मस्त लगती है, तो ग्रीन कलर कर दो। एंड उसके बाद ना थोड़ा सा इसका मैंने ग्रीन तो किया था, एक सेकंड, यहाँ पर हो चुका है, इसका पॉलिश करेंगे थोड़ा सा। ऑलराइट, मेटालिक थोड़ा सा हम लोग ऐसे रखेंगे। ओ भाई साहब, ये थोड़ा सा ज्यादा मेटालिक नहीं हो गया? चलो गाइस ये सही है। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया। अबे कलर क्यों नहीं हुआ भाई, ये क्या बात हो गई, मैंने अभी तो कलर किया भाई, एक सेकंड। चलो फिर भी मैंने 2 बार कर ली, अब ये गंद ऐसा क्यों हो रहा है, आई थिंक इस पे गंद मच रखी है। एक सेकंड ना, मेरे पास एक साबुन है तो इसको ना मैं थोड़ा सा पोंछ लेता हूँ। चलो गाइस, ऑलरेडी मेरे को 300 रुपए और 300 रुपए पिछले बार पड़ गया था, मतलब $600 पड़ गया, मतलब $600 पड़ गया, तो मुझे और नहीं कराना, जो है सो है। तो फटाफट से ना ये देखो हमारा कार यहाँ पर आ चुका है, तो फटाफट से काम करते हैं, इस कार के अंदर बैठते हैं और इस कार को ना हम लोग सीधा लेके जाएंगे हमारे शॉप के अंदर। नहीं एक सेकंड, इस कार को ना हम लोग यहाँ पर रखते हैं। आज तीनों ही कार भाई मस्त दिख रही है पूरा एकदम से, मतलब तीनों ही कार भाई आज $1 की बिकने वाला है, क्या बताऊ मैं। चलो गाइस, इस कार को ना एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, इसका डर्टी भी नहीं है। चलो गाइस, सबसे पहले ना हमारे जो शॉप है ना उसको सबसे पहले बंद करते हैं, लिटरली ये देखो हमारा शॉप यहाँ पर बंद हो चुका है। सबसे पहले हमारा टैब निकलते हैं यहाँ पर, और सबसे पहले वेब पेज पे चलते हैं, एंड उसके बाद गाइस यहाँ पर देखो चार कार यहाँ पर है, ठीक है। ओके, सबसे पहले ये डिलीवरी ट्रक है, तो इसका हम लोग प्राइस रखने वाला है लिटरली भाई $1। सो लेट्स गो, ये देखो हमने $1 रख दिया है। ऑलराइट, ये जो कार है इसका भी प्राइस हम लोग रखने वाले हैं लिटरली $1, और ये जो कार है इसका भी प्राइस हम लोग रखने वाले लिटरली $1, एंड हमारा जो चौथा कार है इसका भी प्राइस हम लोग रखेंगे $1। चलो गाइस, ये देखो सारे के सारे कार भाई $1 की कार है, तो आज तो भाई मजा आने वाला है। और देखते हैं अब ये लोग कौन सी कार को खरीदने वाले हैं। सबसे पहले ना गाइस एक काम करते हैं, इस शॉप को हम लोग ओपन करते हैं, अभी ना गाइस बहुत सारे बंदे आने वाले हैं मेरे को पता है। सो अभी थोड़ा सा ये देखो भाई $1 का कार है, अभी तक ना अगर मैं इसको ना ज्यादा दाम पे बेचता ना ये लोग आते नहीं थे, बट अभी आ गया भाई, $1 की कार है तो कौन नहीं आना चाहता। हेलो सर जी, कुछ ज्यादा दोगे या फिर नहीं दोगे? सर जी बोल रहे $1, डू आई हैव थिंक द प्राइस इज फेयर, I will take it। भाई देखो, मैं अभी एक काम करने वाला हूँ, अगर मैं इसको ना $1 की मैंने बताई है, ठीक है, अगर मैं इसको बार्गेनिंग करने के बाद इसको बोलूँ कि इस कार का प्राइस $20,000 है, कि ये बंदा लेने वाला है, negotiated price down to little। एक सेकंड, मैंने ₹1 इसको बोला है, बट इसको मैं अगर बोलूं कि इसको ना मैं $100 में बेचना, मतलब $100 में बेचना चाहता हूँ। ओ भाई साहब, भाई ₹1 बोला तो ₹1 ही देने वाला है, $100 भी नहीं दे रहा, पे कितना चीपेस्ट आदमी है तू। चलो गाइस, दूंगा आपको, एक सेकंड रुक जा यार, लोग जो मतलब थोड़ा लोग और आने दो यार। ऑलराइट, तो यहाँ पर एक मैडम जी, भाई मैडम जी ये ट्रक खरीद के क्या करेगा,
शायद इसको हस्बैंड को देने वाला है। चलो कोई ना गाइस। ऑलराइट, तो ये मैडम जी $1 में इस कार को खरीदना चाहते हैं। ऑलराइट चलो गाइस, सबसे पहले हम लोग एक कार बेचते हैं, सेल कर देते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हमारा जो ट्रक था अभी वो गाइस यहाँ पर बिक चुका है और ये सर बहुत टाइम से यहाँ पर वेट कर रहे हैं। हेलो सर जी, तुम इस कार को लेना चाहते हो यार, कम से कम $100 दे सकते हो ना यार मेरे लिए। एक काम करो, मेरे को थोड़ा मिठाई खाने के लिए ना $10 दे दो भाई, $10 दे सकते हो। एक सेकंड में सर से पूछ लेता हूँ, ये सर नहीं देने वाला। तू निकल, तू निकल, निकल, तू और कोई बंदा लेके जाएगा तेरे, मतलब तू ऐसा कोट पैंट पहन के तू $10 मतलब मेरे को दे नहीं सकता क्या। चलो गाइस, यहाँ पर एक मैडम जी आ चुका है BMW खरीदने के लिए। हेलो मैडम जी, कितने में देना चाहते हो? $1 है भाई, और कितने में देगा? ऑलराइट ऑलराइट, थोड़ा बार्गेनिंग करते हैं। एक काम करो, अपना अपना $10 दे दो, ठीक है $10 प्लीज। अगर ये बंदा $10 नहीं देने वाला तब तो समझो भाई, आई वॉज वंडरिंग इफ आई कुड लोअर द प्राइस। व्हाट द भाई, ये क्या है? $2 दे दो। अब देखो, मैं मुझे ना पता नहीं चल रहा ये इस गेम के अंदर कुछ तो ग्लिच है भाई। $2 में $2 मांग रहा हूँ यार। चलो गाइस कोई ना, तुम $1 दे दो। अगर तुम पहले मतलब इस मैडम को मैं देना चाहता हूँ, शायद मैडम को समझ में नहीं आ रहा है, बट चलो मैडम यहाँ पर कार लेकर चला गया। राइट हेलो, अभी ये क्या है, ये क्या है भाई? हेलो भाई, दो बंदे एक साथ में जुड़ चुके हो क्या भाई? ये क्या गेली जाए यार, ये क्या गेली जाए, दो मुंडी दिख रहा है मेरे को। $1 चलो ले लो यार, ले लो गाइस। ये कार भी यहाँ पर बिक चुका है एंड ये सर जी लाकी विनर है भाई इस SUV कार का। ऑलराइट, तो ये लास्ट कार है हमारा $1 में बिकने वाली। तो हेलो, ये लो आपके लिए, पिछले बार एक सर जी आए थे तो मेरे को $10 नहीं दे रहा था, तुमको कुछ नहीं पे करना तुम। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर मैंने चारों कार को बेच दी, मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, बट कोई ना गाइस मेरे पास Porsche है गाइस, तो लेट्स गो फटाफट से चलते हैं गाइस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे पास एक Porsche है एंड इसको बेचकर हम लोग उठा लेंगे यार पैसे, कितना खर्चा होगा यार। चलो मैंने तो एक काम कर दिया ना, $1 पे चार गाड़ी बेच दी ना मैंने, तो वो एक अच्छा काम मैंने कर दी। लेट्स गो। राइट ऑलराइट गाइस, तो इसको लेकर ना सबसे पहले हम लोग चलेंगे, यहाँ पर गैरेज के अंदर और देखते हैं भाई इस कार के अंदर कोई खराबी तो नहीं है, क्योंकि मैंने इस कार को ना थोड़ा बहुत ठोक दी थी, तो मेरे ख्याल से भी खराब होने वाला है इस कार के अंदर, कुछ ना कुछ तो खराब है। ऑलराइट, तो $69 का यहाँ पर मेरा घाटा हो चुका है, बट इस कार को ना मैं एक अच्छे दाम पर बेचने की ट्राई करूंगा, लगभग 2 लाख रुपए या फिर 1.5 लाख रुपए तो कमा लूंगा यार, कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पर कम से कम ना दान करके कितना खर्चा किया है, कितना हार्डली $60,000 या फिर $70,000, उससे ज्यादा मैं डबल मतलब इस कार को बेच के खरीद लूंगा, ठीक है। तो कोई ना गाइस लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो इस कार को हम लोग लेके चलते हैं और सबसे पहले जो काम करना है मेरे को ना, इस कार को ना थोड़ा पेंटिंग करानी है। समझ में पॉलिश अलग से करना पड़ेगा, कलर अलग से करना पड़ेगा। राइट चलो अब करते हैं भाई, पिछले बार मेरे को ना समझ में नहीं आया था यार। ऑलराइट मैंने पेंटिंग कर दी, अब मस्त लग रही है, पूरा रेड रेड हो रखी है, मतलब अंदर भी रेड है बाहर भी रेड है। ऑलराइट गाइस, तो इसको साफ करने के बाद मेरे ख्याल से सही होने वाला है, तो इस कार को ना फटाफट से ना यहाँ पर हम लोग ऑफिस के अंदर। ऑलराइट 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 गाइस, ये कार जो बिकने वाला है ना लिटरली क्या खतरनाक लुक है। इस कार को ना थोड़ा मैं ना ऐसे करके रखूंगा थोड़ा स्टाइल में, और ये कार ना मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि मेरे को बेचना नहीं चाहिए, क्या बोलते हो भाई? कितना मस्त लग रही है, कूल लग रही है कार। ऑलराइट गाइस कोई ना, पैसे तो कमानी है, इस कार को मैं दोबारा खरीद लूंगा अभी। ऑलराइट गाइस हेलो सर जी, इसको थोड़ा सा आप लोग सफाई कर दो एंड उसके बाद इसका हम लोग प्राइस लगाने वाले हैं। सबसे पहले ना एक काम करते, इसका ना कैमरा खींचते भाई, एक फोटो तो क्लिक करना बनता है। अबे हेलो सर जी, तुम आ गए? चलो कोई ना गाइस, ये हमारा सर्वेंट है यार, इसको कोई इज्जत नहीं है क्या? चलो गाइस, इसका प्राइस हम लोग रखने वाले, इसका प्राइस जो है ना वो है $1,80,000 की, तो इसका प्राइस हम लोग रखने वाले हैं $3,80,000 की, ठीक है, लगभग 2 लाख की या फिर है 2 लाख की प्रॉफिट हो रहा है। सो लेट्स गो, $3,80,000। आई डोंट थिंक ये कार को कोई नहीं खरीदेगा भाई, मस्त कार है, इसको मिल जाए ना ले लो भाई। अभी टाइम भी होने वाला है गाइस, अभी रात होने वाला है, अभी 7:30 ऑलरेडी हो चुका है। मेरे ख्याल से आज तो ये कार बिकने नहीं वाला, बट कल सुबह आके हम लोग इस कार को बेचेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट करेंगे, ठीक है। अभी मेरे पास 5 लाख रुपए है, आप देख सकते हो 5,02,000 समथिंग यहाँ पर डॉलर है मेरे पास, बट कल। ओके एक सेकेंड, दो बंदे आ चुका है। ऑलराइट भाई साहब, देखो जब ये बड़े बड़े कार खरीदो यार, बड़े बड़े कार खरीदोगे ना उसके बाद ना ये जो ऑडियंस बोल रहा हूँ मैं, कस्टमर बहुत तकड़ा आता है। हेलो सर जी। ऑलराइट गाइस, तो ये सर जी बोल रहे हैं $2,31,000 देने वाला है, तो लिटरली इधर से मेरे को ₹50,000 की प्रॉफिट हो रहा है, बट मेरे को और थोड़ा सा चाहिए। एक सेकेंड ये मैडम जी कितना बोलना चाहता है? हेलो मैडम जी, आप कितना देना चाहते हो? वो बंदा तो भाई $50,000 की ऑलरेडी प्रॉफिट करा रहा था, और ये मैडम जी प्रॉफिट कर रहे हैं मेरे भाई, ये मैडम जी ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि ये देखो $48 इधर से मिल रहा है और उधर से मेरे को $68 की प्रॉफिट हो रहा है। एक सेकंड, इसको ना हम लोग ऑफर करते हैं, ऑफर करने के बाद हम लोग इसको लिखते हैं $2,80,000 दे दो, मतलब इधर से मेरे को $80,000 की। अबे नहीं, नो गॉड प्लीज नो नो।
No! भाई मैंने गलती कर दी यार, मैंने 2,80,000 नहीं दिया था, 28,000। अबे यार भाई सब $28,000 की। यार आज का दिन सबसे बया, मतलब क्या बताऊं मैं यार। भाई तू, मैंने ना गलती गलती में कर दी, सीरियसली बता रहा हूँ। मैं ना 2,80,000 का प्राइस देने वाला था, मैंने 2,830 कर दी, $28,000 पड़ गई यार, शिट। चलो गाइस अभी क्या ही कर सकते भाई, तेरा जो है ना पेमेंट कटने वाला हूँ मैं। भाई बहुत ज्यादा नुकसान हो चुके, समझ रहे हो बात को यार। मतलब कितना, 1,80,000 तो गया, ऊपर से मेरा ₹28,000 भी गया, मतलब ₹1,50,000 की नुकसान हो चुका है आज गाइस। आज ना भाई मैं क्या ही बताऊँ यार, आज क्या बात कर रहे हो। देखो $1,80,000 का मैंने खरीदा हुआ था उस कार को, पोर्शे को, और मैंने उसको $28,004 में बेचा हुआ। भाई मैं क्या ही बताऊँ यार। ऑलराइट गाइस, तो आज के वीडियो हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, एंड थोड़ा सा बुरा लग रहा है, बट कोई ना गाइस, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ट्राई करेंगे। देखो दान तो हम लोगों ने किया है, ठीक है, चार कार मैंने अच्छे अच्छे लोगों को बेच दिया है, बट यार उल्टा मेरे को ही नुकसान हो चुका है। बट कोई ना गाइस, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ, और मिलते हैं आपसे सीधा नेक्स्ट वीडियो पर।